दिए गए फलन के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात करना है। हमें ये पता करना है उच्चतम मान या निम्नतम मान है या नहीं, और है तो फिर कितना है। ये हमने सॉल्व किया है, किस बिंदु पर उच्चतम या निम्नतम मान हो सकता है, इसके लिए फलन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर वो अवकलनीय है तो, अगर अवकलनीय नहीं है तो फिर दूसरी विधि से करते हैं। ये फलन बहुपदी फलन है इसलिए अवकलनीय फलन है हर बिंदु पे, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे और एफ डैश एक्स को जीरो रखेंगे तो जो एक्स के मान प्राप्त होंगे उन बिंदुओं पर फलन उच्चतम या निम्नतम मान प्राप्त कर सकता है, गारंटी नहीं है। ऐसे बिंदु चरम बिंदु कहलाते हैं या फिर नित्य परिवर्तक बिंदु कहलाएंगे। अगर उच्चतम या निम्नतम मान उन बिंदुओं पर है तो चरम बिंदु, नहीं तो नित्य परिवर्तक बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएंगे। तो एफ डैश एक्स निकाल के हम जीरो रख रहे हैं, हमें बिंदु मिलेगा। फिर एफ डबल डैश एक्स निकाल के उन बिंदुओं पर देखेंगे जिन बिंदुओं पर ये धनात्मक मान प्राप्त होगा वहां निम्नतम फलन होगा, जहां ऋणात्मक प्राप्त होगा वहां पर उच्चतम मान उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा। यानी एफ डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो कैसा होगा, निम्निष्ट मान होगा, और एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन जीरो है उच्चिष्ट होगा, और अगर एफ डबल डैश एक्स जीरो ही मिलता है तो फिर डिसीजन पेंडिंग, अर्थात हम कह नहीं सकते। फिर हम ट्रिपल डैश चार बार डैश निकालेंगे, आगे की प्रक्रिया फिर वही करेंगे जो यहाँ से एफ वन डैश से करी थी, एफ डैश से करी थी। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं इसमें, एफ डैश एक्स टू टाइम्स टू एक्स माइनस वन प्लस जीरो, यानी एफ डैश एक्स ये आ गया। डबल डैश निकाला, चार आया है। उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए हमने एफ डैश एक्स को जीरो रखा, यानी टू एक्स टू टाइम्स टू एक्स माइनस वन जीरो, एक्स बराबर एक बटे दो। एफ डबल डैश एक बटे दो पे निकाला है, चार मान आया है, और ये जीरो से बड़ा है इसलिए एफ डबल डैश एक बटे दो इज ग्रेटर देन जीरो। हम कह सकते हैं फलन इस बिंदु पर निम्निष्ट है, यानी न्यूनतम मान इसका विद्यमान है, लेकिन कितना मान है इसे हम देख लेते हैं। तो कितना मान है इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, f का मान एक बटे दो पे निकालेंगे, यानी कि f 1 by 2, यानी कि 2 गुणा 1 by 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये कट के 1, 1 माइनस 1 0, 0 का वर्ग 0 प्लस 3, यानी हमारा कितना आया 3। हम क्या लिखेंगे, फलन एफ एक्स का निम्नतम मान एक्स बराबर एक बटे दो पर विद्यमान है और यह निम्नतम मान 3 है। लिखेंगे एक्स बराबर एक बटे दो पर फलन का निम्नतम मान बराबर 3 है। अब इसी फलन का हम ग्राफ देखते हैं कि हमने x बराबर एक बटे दो पर जो x बराबर एक बटे दो पर 3 मान निकाला है, क्या ग्राफ से इसकी पुष्टि होती है। हमने इसका ये ग्राफ खींचा है और x बराबर 0.2, मतलब एक्स बराबर एक बटे दो पर इसका मान कितना है, 3 आ रहा है। ये एक्स बराबर एक बटे दो पर मान मिला है, कितना आया है 3, वही हमारा यहां से निकला भी है। एक्स बराबर 3 का मतलब ग्राफ से हमारा ये कंसेप्ट सही है।